जिस तरीके से ये पौधा है इस तरीके से फल की दशा नहीं है, ये समझने वाली बात है कि फल की थोड़ी सी मोटाई है, हाइट है, हेल्थ है, लेकिन फल की क्वालिटी नहीं है और फल इस तरीके से झूल रहा है जी। और अगर यहाँ फल की मांसपेशी को देखा जाए, इधर आकर देखो आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो यह फूलने की बजाय सिकुड़ा है, ये नब्ज दिख रही ना। आप हेल्दी फल को ऐसी नब्ज नहीं देखोगे, फूला हुआ दिखेगा। जो आपका वो वाला फल था ना जो बहुत अच्छा दिख रहा था, उसमें ऐसी लाइनिंग नहीं दिखेगी, ये वाली लाइनिंग नहीं दिखेगी। ये क्यों दिख रही है कि फल अग्रेसिव हुआ और बाहर आया, फूल अपने मूड में था कि मैं अच्छा हेल्दी बनूं, और उस समय यहाँ पर कट लगा। जो हम इसके बच्चे निकाल रहे हैं ना, पूरा अपने होशो हवास में चल रहा है, फुल एनर्जी के साथ उसने फल दिया कि अब मैं फैलूंगा, और जैसे ही बाहर आया उसकी नसें कट गई। अब वो खिलना चाहता है, अभी ये डंडे की मोटाई देखो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट वो सिकुड़ गया। जब उसको पीक पीरियड में भोजन चाहिए था, उस समय हमने इसके बच्चे निकाले और रूट को काटा, उस समय ये सिकुड़ गया, वरना ये फिर हेल्दी लंबा चलता और ऐसा सिलवटे नहीं आती, सिकुड़ापन नहीं आता। अभी इसमें ये लास्ट वाले पंजे में ये बेबी फिंगर है, तो इस पंजे की आवश्यकता ही नहीं थी, वेस्टेज है। तो जब हेल्दी प्लांट दिख रहा है, फल आने के बाद उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर डैमेज हुआ, या तो आपने खरपतवार नाशक डाला, या आपने उसके बेबी को किल किया, निकाला, रिमूव किया, तो दो में से कुछ अवस्था बनी है जब ये कमल आया है, वरना ये डेड नहीं होता। ये सारी प्रक्रिया बच्चे निकालने की कमल आने से पहले करनी चाहिए, 90 दिन लास्ट, 90 डेज, इसके ऊपर फिर नहीं। 90 दिन के बाद यहाँ भ्रूण तैयार हो गया, वो अब धीरे धीरे बड़ा होकर ऊपर आ रहा है, अगले 4 महीने ऊपर चढ़ेगा और फिर इनिशिएशन होगा। तो 7 महीने लगते हैं कमल बाहर आने में, तो 3 महीने की अवस्था ऐसी है कि उसको छेड़खानी कर लो 90 दिन, और 90 दिन बाद वाला तो रखना ही है हमको। जब ये डिस्टेंस रख रहे हैं, तो प्लांटेशन के बाद जो बेबी आए वो 90 दिन तक जितने आ रहे हैं उनको निकाल दो, निकाल दो, तो वो पहली सर्कल है। अब अंदर की जो दूसरी सर्कल का जो बेबी आ रहा है उसको रखना है, तो वो आपको दिखेगा 5 महीने के बाद। आपने 3 महीने बाद निकाल दिए, 4th महीना अंकुरण होगा, 5वें महीने में बच्चा दिखेगा। तो पहला प्लांटेशन के बाद 5वें महीने में जो दिख रहा है उसको 6ठे महीने में आइडेंटिफाई करके रखना है, ये बेबी सिलेक्शन की साइकिल है। और सूर्य किस दिशा में गमन कर रहा है उसके अपोजिट रखना है। जैसे हम इस फील्ड में फाइंड कर पा रहे हैं कि सभी के सभी राइट साइड फ्लावरिंग है, ठीक है, तो हमें बेबी लेफ्ट साइड रखना है, ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए, ऊपर ना आए, ठीक है। तो पहली साइकिल गई 90 दिन में, 4th महीने अंकुरण हुआ, 5वें महीने दिखा, 6ठे महीने आइडेंटिफाई करके रख लो, फिर उसके पास के कट करके ड्रिल करना है, निकालना नहीं। हमने जैसे कट किया इसको, हमें रिमूव करना है ना, तो ये जो छोटा बेबी है जी, इसको कट किया, हाँ, इसमें एक खोचा लगाया, हाँ, या आप 16mm सरिया, लोहा, कुछ भी, हाँ, सेंटर ठोचा लगाया, हाँ, उसमें यूरिया डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, ये रुक जाएगा, रुक जाएगा। इससे क्या हुआ, हमने खोद कर जड़े नहीं तोड़ी, ओके, इसको केवल रोका और एक आइडेंटिफाई करके छोड़ा। जब हम प्लांटेशन के 6ठे महीने बच्चा रखते हैं, तो हार्वेस्टिंग के समय इसका बच्चा रखेंगे, दिस इज बेबी, दिस वन, ओके, यस। तो जब हार्वेस्टिंग होगा तो 1, 2, 3 मिलेगा, और फिर आपका हर 6 महीने में आउटपुट आएगा। सही। केला साल भर में एक बार नहीं लिया जाता, जहां इंडोनेशिया का ये जो क्लाइमेट है, लंगपंग का ये जो क्लाइमेट है ना, कि 32 के ऊपर नहीं जाएगा और 20 के अंदर नहीं आएगा, मतलब हम साल में 2 बार केला काट सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस क्लाइमेट में, बहुत, मतलब मुझे, मैं आपके क्षेत्र का क्लाइमेट देख रहा हूँ, मिट्टी देख रहा हूँ, मुझे यह सोना दिख रहा है कि मैं गोल्ड माइनिंग में हूँ। यस, आप इमेजिन करो कि 1 एकड़ से आप पहली हार्वेस्टिंग 25 टन ले रहे हो, सेकंड हार्वेस्टिंग 35 टन ले रहे हो, थर्ड हार्वेस्टिंग 40 टन ले रहे हो,
और अब 40 टन हार्वेस्टिंग साल में दो बार आएगी, गोल्ड माइन पे नहीं बैठे हो जहां 25 रुपए किलो का खेत से रेट है वेस्टेज का, और अच्छे का 35 रुपीस रेट आएगा, तो 40 टन गुणित 35 14 लाख रुपए एक एकड़ का अर्निंग है। अगर मैं जो साइकिल बता रहा हूँ इस क्लाइमेट इस कंडीशन में और इस तरह की मिट्टी में, ये जो मिट्टी है ना ये सोना है इंडिया में, ये इस तरह की मिट्टी केवल आंध्र प्रदेश में है, और हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश का केला सबसे सुपीरियर माना जाता है, सबसे सुपीरियर, वेरी सुपीरियर केला। एक एकड़ एक साल 14 लाख का रिटर्न, और आपको खर्चा कितना करना है फोर्थ हार्वेस्टिंग के बाद, 25 से 40 हजार रुपए एकड़ केवल लेबर पेमेंट। फर्टिलाइजर देना नहीं है ना, ये जब रिवर्स होगा तो इसका भोजन बन जाएगा, ये जब रिवर्स होगा तो इसका भोजन बन जाएगा। 100% प्राकृतिक फार्मिंग, और फर्टिलाइजर हम देंगे केवल वीएम स्प्रे से, मिट्टी का स्प्रे। अभी ये बात शायद आपको बतलाई नहीं थी मैंने, आपने वीडियोस में देखे होंगे कभी, तो ये जो मिट्टी है इसको 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे और इसकी मिट्टी को गलाएंगे हम 2 दिन, और उसमें वाइसेनोमेटा डालकर रखेंगे, तो वह पानी पूरा फर्टिलाइजर है, क्योंकि कीट पतंग तुड़तुड़ा महुआ मक्खी मच्छर जो यहाँ बैठा है ये पूरा का पूरा रसा नीचे गया है अर्क, और 5 फीट गहरी मिट्टी ऊपर से नीचे तक की 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी 200 ग्राम वाइसेनोमेटा जब 24 से 36 घंटे रखते हैं तो वह हाईली फर्टिलाइजर पानी बनता है। उसका ड्रेंचिंग करो और उसका स्प्रे करो, बस खत्म, कुछ देने की आवश्यकता नहीं, तो आपका खर्चा फर्टिलाइजर का 0, केवल मेन पावर का खर्चा है और इरिगेशन का खर्चा है। चौथी हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में 0 बजट फार्मिंग होती है, और साल में 2 बार हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत रिपेयर करना है, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ओके।